यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने तस्करी को ले जाए जा रही हरियाणा मेड अंग्रेजी शराब की 400 पेटियां बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हरियाणा मेड की अंग्रेजी शराब डीसीएम में पेंट के सामान में छुपा कर ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मौके से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज कलान थाने में बड़ी सफलता मिली है। इसमें मुखबिरी के द्वारा एक गाड़ी को चेकिंग कर लिया था, उसमें पेंट के नाम पर जो बिल बनाया गया था और गत्तों में भर दिया गया था, उसको खुलवा के चेक कर लिया तो उसमें शराब मिली। ये शराब हरियाणा से इधर मधुबनी की तरफ जाने की बात कहा जा रहा है, जिसमें जो संलिप्त अभियुक्त है उसको पूछताछ कर रहे हैं और इसका सरगना कौन है और इसमें जुड़े हुए लोग और कौन है, इसमें जांच पड़ताल चल रहे हैं। अब जो भी इसमें इन्वॉल्व है इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ गैंगस्टर और 14 की कार्रवाई की जाएगी।